गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं शो करने वाला हूँ फ्लेक्सिबल 3-in-1 फ्लो वाले सिंक टैप एक्सटेंडर के बारे में, जिसके अंदर आपका वाटर वेस्टेज भी ज्यादा नहीं होता और फ्लेक्सिबल होने के कारण जैसे कि आपके सिंक के अंदर जैसे आप पानी वगैरह भरते हो, मटके वगैरह रखते हो, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं, ये एक ही जगह पर रहता है तो हमें मटका पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है। वही ये वाला इंस्टॉल कर दोगे तो चारों डायरेक्शन में क्लीन करना भी ईजी रहेगा। इनकेस बगल में कोई बकेट वगैरह पड़ा हुआ इसे भी फिल करना ईजी हो जाता है इस तरह, जो कि डायरेक्शन आप सेट कर दोगे। तो इसे कंप्लीट में इंस्टॉल करके बताऊंगा किस तरह इंस्टॉल होगा, कितना वाटर का आपका मैक्सिमम या मिनिमम प्रेशर होना चाहिए तब जाके ये वर्क करेगा, और इसके साथ में क्या क्या आता है, ये किस तरह यूज करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया 199 का, अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सीएमए कोई 300-400 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंप्लीट टेस्ट भी किया हुआ, फिर से मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, थोड़ा भी इसके अंदर वाटर लीकेज नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से आप विजिट करके ओरिजिनल वाला ही बाय करना। तो इसके अंदर ये पैक होकर आया था, प्लास्टिक में रैप होकर आया था, तो ये कंप्लीट एक असेंबली था। उसके बाद में इसके साथ में आते कुछ और भी चीज, एक आएगा आपको टेफ्लॉन टेप, दो आपको रबड़ के राउंड वाले देखने को मिलेंगे जो कि हमारे इधर फिट होंगे जिसके कारण वाटर बाहर नहीं आएगा, और ये आपको एक और आता है इनके जैसे कि ये वाला आप इधर फिट करो। कोई कोई टैप क्या रहता है इसके अंदर, इसका तो आउटर साइड में वो आटे दिए हुए जैसे जिसके अंदर टाइट होता है, पर किसके अंदर इनर साइड में आटे रहते हैं, जैसे कि ये वाला आप निकाल रहे हो, निकाल के फिट करना है तो ये वाला आप इस तरह ये टाइट कर सकते हो, उसके बाद में ऊपर फिट कर सकते हो। तो कोई कोई सिंक टैप इस टाइप के भी रहते हैं, जो रेक्टेंगुलर सिंक टैप रहेगा इसके अंदर ये नहीं बैठेगा। और साथ में ये आता है इनके साथ कोई भी पाइप वगैरह में, जैसे कि आपका लोखंड का पाइप है इसके अंदर डायरेक्ट फिट करना है तो ये आप लूज करना है, ये टाइट कर देना, इसके बाद में इधर ये फ्लेक्सिबल वाला आगे लगा देना है, तो जिसके कारण आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो ये आप यूज करना चाहते हो ये भी यूज कर सकते हो, और ये टेफ्लॉन टेप दिया हुआ है, जब भी आप इसे टाइट करो लगाओ तो टेफ्लॉन टेप को जरूर यूज कीजिए, जिसके कारण थोड़ा भी लीकेज नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो हेड है इसको आपको रिमूव करना रहेगा, तो नॉर्मली ये बहुत ज्यादा टाइट रहेगा तो आप पकड़े पिलार को यूज कर सकते हो, बाकी लूज रहेगा तो आप हैंड से भी इसे ओपन कर सकते हो, इस तरह ओपन कर लेना है। और मेरा वाटर का पहले मैं प्रेशर दिखा देता हूं, मेरा वाटर का कितना प्रेशर है, तो आप देख सकते हो मेरे वाटर का काफी ज्यादा प्रेशर है। मैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, ये 23 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो टेरेस से डायरेक्ट पानी आता है तो प्रेशर बन जाता है, और इन केस आपके वाटर का प्रेशर मिनिमम इतना प्रेशर भी है तो भी आराम से वर्क कर लेगा। और ऑनलाइन से बाय करने का ये बेनिफिट रहता है, जैसे कि आपका वाटर का बहुत ही कम प्रेशर है या फिर आपको डाउट है कि प्रेशर कम ज्यादा है तो भी आप ऑनलाइन से बाय कर लीजिए, ऑनलाइन पे आपको 10 डे से लेकर 30 डे तक का रिफंड देखने को मिल जाता है। तो इनकेस प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या फिर फिट नहीं होता तो आप आराम से रिटर्न कर देना प्रोडक्ट, आपको बैंक में वापस से रिफंड आ जाएगा अमाउंट। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूं, और इसे इंस्टॉल करने के पहले इधर आपको लगाना पड़ेगा रबड़, ये वाला रबड़ आपको लगाना है जिसके कारण आपका वाटर जो कि बाहर नहीं निकलेगा, और वैसे भी नहीं निकलता है और ये लगाना जरूरी रहता है जिसके कारण एयर टाइट हो जाता है एकदम फिट, तो ये एकदम प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुका है। और इधर जो कि पकड़ से और भी आप टाइट कर लेना जिससे कि एकदम बेहतर तरीके से टाइट हो जाएगा, चारों डायरेक्शन में आराम से फ्लो कर सकते हो। इस तरह रखना, इस तरह आप रख दिया, इस तरह रखना तो इस तरह आपने रख दिया, सामने की ओर रखना तो सामने की ओर रख दिया, तो फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण वॉश करना बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले एकदम स्लो पे चालू करता हूं, तो आप देख सकते हो एकदम कम पे रखा हुआ, इतना प्रेशर तो किसके घर पे भी रहता है। ये आपको देखने को मिलता है मिडल वाला फ्लो, जिसके अंदर आपको बीच में भी पानी आ रहा है और साइड में से भी पानी आ रहा है, और इस साइड में ओनली बीच में से पानी आएगा और इस साइड में ओनली साइड में से पानी आएगा, इसमें आपको पूरा वाटर देखने को मिल जाता है। इसका मैं दिखा देता हूँ नीचे की साइड से, जैसे कि आप देख सकते हो ये होल्स दिए हुए, तो बीच में होल है, साइड में होल है, तो जैसे कि मैं फिर से दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो पूरा वाटर आ रहा है, इधर मैं प्रेस करता हूँ ओनली मिडल में से वाटर आ रहा है, और मैं यही ये वाला प्रेस करता हूँ तो ओनली साइड में से वाटर आ रहा है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है, इसे भरा हुआ है मॉर्निंग के टाइम पे जिसके घर पे पानी आता है बीएमसी का, तो इनका क्या रहता है कि उनको इधर मटका या टब ऐसे लेके खड़ा रहना पड़ता है। वहीं आप एक काम कर सकते हो, इसे रोटेट कर देना है, इसके बाद में फिर इधर आपको अपना मटका रख देना, टब रख देना या फिर बर्तन रख देना, और आराम से फिल कर लेना, इधर आपके बर्तन पड़े हुए जो वॉश नहीं किए वो पड़े रहेंगे, और आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो, बार बार ऐसे लटक के पकड़ के खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको फ्लेक्सिबल वाले के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। वो कंप्लीट फ्लेक्सिबल सिंक टैप भी आता है जो कि पूरा का पूरा, पर वो बहुत ही महंगा आता है, 1600-1700 रुपए का, तो आप पूरा इंस्टॉल करने से अच्छा है कि ये वाला ही ले लीजिए जिसमें आपका काम भी चल जाएगा, और ये पुराना वाला सिंक टैप आपका वेस्ट भी नहीं होगा, ये भी यूज में रहेगा। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया था 199 का, अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सीएमए पर 300-400 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।